हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। 5 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और आप मतलब यकीन नहीं करेंगे कि इतनी जबरदस्त उन्होंने कमाई की है। जी हां गाइस, बात करते हैं 5 दिन के कलेक्शन की, वो भी इंडिया के, और आखिर में मैं आपको वर्ल्ड वाइड ओवरऑल कलेक्शन भी बताऊंगा कि कितने का चुटी है। तो गाइस, बात करते हैं फर्स्ट डे की। ओपनिंग डे की बात करें तो इसमें इंडिया में नेट कलेक्शन की बात करने लगा हूं, और एंड में आपको बताऊंगा ग्रॉस कलेक्शन और ओवरऑल वर्ल्ड। फर्स्ट डे पर इसमें इंडिया में जो नेट कलेक्शन किया है वो है 57 करोड़ का। जी हां गाइस, तीनों लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, तीनों लैंग्वेज में इसने 57 करोड़ कमाई की है फर्स्ट डे। खुद ही सोचिए, मतलब इसने पहले दिन ही बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं गाइस। KGF का रिकॉर्ड इसने तोड़ डाला, KGF का रिकॉर्ड था आई थिंक 53 करोड़ का। जी हां गाइस, उसने फर्स्ट डे पे किया था हिंदी में, और इसने कर दिया है 57 करोड़। और बाहुबली का भी शायद इससे कुछ नीचे है, 51 करोड़ था बाहुबली का, और उन सबको इसने तोड़ दिया। ऐसी पहली बॉलीवुड फिल्म है जो कि मतलब पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब बात करते हैं सेकंड डे की। तो सेकंड डे पर इसने कमाई की है इंडिया में नेट कलेक्शन 70 करोड़ 5 लाख रुपीस। जी हाँ गाइस, ये दूसरे दिन की कमाई है। मतलब आप देखें कितना जबरदस्त गैप आया, दूसरे दिन में काफी अच्छी निकल गई है। मतलब इसकी जो कमाई है वो इंक्रीजमेंट हुई है गाइस, इसकी कमाई में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हुई है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ उसे। और थर्ड डे की बात करते हैं गाइस, तो थर्ड डे पर इसने थोड़ा सा इसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा आपको। थर्ड डे पर इसने 39.25 करोड़ की कमाई की, मतलब 39 करोड़ 25 लाख रुपए। जी हाँ गाइस, ये भी काफी अच्छा नंबर है, लेकिन इसमें थोड़ा ड्रॉबैक देखने को मिले। फोर्थ डे की बात करें अगर गाइस इंडिया की नेट कलेक्शन की, तो फोर्थ डे पर इसका कलेक्शन काफी अमेजिंग है 53.25। जी हाँ गाइस, ये भी काफी अच्छा नंबर होता है। चौथे डे के हिसाब से काफी अच्छा नंबर निकला है, ये फिर अपने रिकवर कर चुके हैं पैसे जो कि इसने तीसरे दिन पे गवाए। और अब बात करते हैं पांचवे दिन की, मतलब जो कि कल गुजरा है, संडे वाला दिन। संडे वाले दिन पर इसकी कलेक्शन थी, और पांचवे दिन पर इसकी कमाई थी गाइस 60 करोड़। जी हाँ गाइस, 60 करोड़ 75 लाख रुपीज, देख सकते हैं आप 5 दिन में क्या जबरदस्त कमाई की है। और 5 दिन का ये टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया का बनता है नेट कलेक्शन। तो 5 दिन का इसका इंडिया का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है, मतलब कि नेट कलेक्शन बनता है, वो है गाइस 280 करोड़। जी हां गाइस, 280 करोड़ 75 लाख रुपए, मतलब ये कम नहीं है गाइस, बहुत ही अच्छा इंडिया का नेट कलेक्शन है ये में। और इंडिया का नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त है। पांच आप बात करते हैं ओवरऑल नेट कलेक्शन की और ग्रॉस कलेक्शन की। तो ओवरऑल जो इसका मतलब टोटल इंडिया का नेट कलेक्शन हो गया, मतलब 280 करोड़ का, ये तो ठीक ठाक हो गया, अच्छा निकला है। तो अभी बात करते हैं इंडिया बॉक्स ऑफिस ग्रॉस, जो इंडिया का इसका ग्रॉस कलेक्शन है वो है गाइस 338 करोड़। जी हाँ गाइस, ये काफी अच्छा कलेक्शन है। अब बात करते हैं इसके ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की, तो वो है इसका 5 दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है 534 करोड़। जी हाँ गाइस, 534 करोड़ कोई भी कम रकम नहीं होती, मतलब काफी अच्छा है इसका ग्रॉस कलेक्शन। और ये था इसका ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड, जो कि मतलब 5 दिन में 500 करोड़ प्लस कर चुकी है ये मूवी, और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये 1000 करोड़ करेगी गाइस। जी हाँ, क्योंकि इसको जो ऑडियंस से रिस्पांस मिल रहा है, और अच्छा क्रिटिक्स ने भी इसको अच्छा रिस्पांस दिया है, ऑडियंस का भी काफी अच्छा रिस्पांस है। और जैसे मैंने आपको इसकी मूवी के रिव्यू में बताया था, बॉलीवुड के किंग वापस आ गए हैं, और इन्होंने बॉलीवुड को भी बचा लिया, और काफी सारे मूवीज के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले, जी हाँ गाइस, ये था इसका 5 दिन का कलेक्शन। आगे मैं इसको आपका ओवरऑल कलेक्शन भी बताऊंगा, लाइफ टाइम कलेक्शन भी बताऊंगा इस मूवी का। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।